गाइस वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो होने वाली है हेयर केयर से रिलेटेड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मैजिकल डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसको मतलब महीने में दो बार अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो आपके जो व्हाइट बाल होने शुरू हो गए हैं ना वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ, ये मैजिकल हेयर मतलब पैक इसको आप बोल सकते हैं, घर पर ही बनाना है और बिल्कुल मतलब देसी चीजों से, कोई भी केमिकल हम इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं और हर एज ग्रुप का पर्सन इसको लगा सकता है। और क्योंकि व्हाइट बालों की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब एज बढ़ने लगते तभी होती है, आजकल हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान या कुछ भी कह लीजिए, हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से 17-18 साल की एज में भी मैंने देखा है कि बच्चों के बाल व्हाइट होने लगते हैं। तो अगर आप डाई वगैरह या फिर हेयर कलर का यूज करेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। एक तो इनसे क्या होगा कि आपके बाल ज्यादा झड़ते हैं। जी हाँ, अगर हम हेयर कलर यूज करते हैं या फिर डाई यूज करते हैं, बाल ज्यादा झड़ने की प्रॉब्लम होती है। धीरे धीरे आपका सर गंजा होने लगेगा, साथ ही डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम होती है और भी और ज्यादा बाल आपके व्हाइट होने भी शुरू हो जाते हैं। और डाई के चक्कर में जो बचे कुचे बाल हमारे ब्लैक है उसको भी हम व्हाइट कर लेते हैं। तो ये गलती आप मत करना। आप ना तो अपने बालों पर हेयर कलर करवाइए और ना ही डाई। जो मैं ये डीआईवाई यानी कि होममेड हेयर पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको सिर्फ मंथ में दो बार अप्लाई करना है। आप इसका रिजल्ट देखना कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला है। और एक और बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, इसमें मैंने मेहंदी का यूज किया है, कलर वाली मेहंदी नहीं, बिल्कुल हर्बल मेहंदी का यूज करा है। तो कई बार ये भी शिकायत होती है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं उसके बाद हमारे बालों में थोड़ा इचिंग सी होने लगते हैं, खुजली भी होने लगते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का भी सलूशन मैंने आज की वीडियो में दिया है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं कि मैंने कैसे इसको बनाया है, कैसे लगाया है और कैसा इसका रिजल्ट रहा है। तो प्लीज अगर आपको ये डीआईवाई पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हमें लेनी है लोहे की कढ़ाई और इसका कलर ऐसा ही है, क्योंकि मैं इसमें डीआईवाई बनाती रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अप्लाई करते रहते हैं वीक में दो बार, तो हम पक्का कुछ ना कुछ लगाते ही है। और ये मैंने नेचुरल ही ना हेयर पैक लिया है, इसका रिव्यू जल्दी मेरे चैनल पर आने वाला है। और ये है एल्प गुडनेस का जो बीटरूट पाउडर आता है, इसमें ना सेकेंड वाला वेरियंट था, फर्स्ट वाले का रिव्यू है मेरे चैनल पर, इसका देखूंगी, शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये ली है दही, और दही से क्या होगा कि जो स्कैल्प पर खुजली होती है ना मेहंदी लगाने के बाद वो नहीं होगी, ये मतलब इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। और ये मैंने तीनों चीज़ों को इसमें डाल दिया है। अब बारी है कॉफ़ी की, कॉफ़ी क्या करेगी कि एक हल्का सा कलर आपके बालों में देने का काम करेगी। और इन सब को इस तरीके से आपको लोहे की कढ़ाई में ले लेना है और पानी डालकर आपको एक पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरीके का, देखिए। और मैं इसको ना ढककर ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ और आप मॉर्निंग में देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन क्योंकि लोहे की जितनी भी गुडनेस थी ना सारी की सारी इसमें आ चुकी है, ये आपके बालों को बहुत अच्छे से ब्लैक करेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। फिर मैंने मॉर्निंग में अपने बालों को सुलझा लिया है, क्योंकि उलझे बालों में आपको मेहंदी नहीं लगानी है। तो मैंने ऐसे ब्रश की हेल्प से अपने सारे बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई अदर्स मेंबर आपकी हेल्प कर सकता है तो और भी अच्छी बात है। मैं तो मिरर में खुद ही मतलब देख के सामने इसको अप्लाई कर रही थी, तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड करे हैं और सेक्शन वाइज मैंने इस तरीके से ब्रश की हेल्प से अपने बालों पर लगा लिया है। और ये बीट रूट पाउडर और कॉफ़ी हमने मिलाई है ना, ये आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छी है, आपके बालों को एक हल्का सा कलर देने का भी काम करेगी। तो इस तरीके से मैंने अपने फुल बालों पर लगा कर रखा है, 3-4 घंटे तक मैं इसको लगा कर रखूँगी, फिर मैं नॉर्मल वाटर के साथ अपने बालों को वॉश करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। जब मैंने अपने बालों को वॉश करा था उस दिन ना तो मैंने शैम्पू लगाया था और ना ही मैंने उस दिन कंडीशनर का यूज़ करा था, और बाल आप देख सकते हैं हल्का सा कलर भी आया है और बिल्कुल ब्लीचिंग मेरे बालों में नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसमें दही को ऐड करा है। तो इस तरीके से आप भी अपने बालों पर इसको लगा सकते हैं, काफी मतलब सिल्की और शाइनी मेरे हेयर उस टाइम लग रहे थे। काफी इफेक्टिव डीआईवाई है, अगर आपके बाल व्हाइट होने शुरू हो गए हैं तो इसको जरूर से जरूर लगाइए आप। और ये बालों को व्हाइट होने से तो रोकता ही, आपके बालों की लेंथ में भी हेल्प करता है, अगर आपके स्कैल्प पर खुजली रहती है, आपको डैंड्रफ है, उसको भी कंट्रोल करता है। प्लस अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई रहे, फ्रिजी है, तो आपके बालों में एक शाइनिंग सी भी ऐड करने का काम ये हेयर पैक करता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।